An Academy. Let's crack it. निकेत पूछ रहे थे करस्पॉन्डेंट से बीकॉम या बीए करने के बाद कर सकते हैं एमबीए? हाँ कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है, कंप्लीटली एलिजिबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। विच फील्ड ऑफ एमबीए देयर इज मोर स्कोप, जिसमें तुमको मजा आए उस वो काम करना। अपने 30 साल जो तुम बिताओगे ना, उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है कि मजा आना चाहिए काम में। मजा नहीं आएगा, बहुत पेइंग फील्ड भी रहेगी, तुम 4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाओगे उसमें। मजा आना चाहिए, यू हैव टू एंजॉय द वर्क, और एंजॉय वर्क नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स या तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव में गलती है या तुमको कोई और काम करना चाहिए। इस पे यार मैं और ज्यादा जोर नहीं डाल सकता। मॉनेटरी क्या होता है, आप अभी आपने कमाया नहीं है पैसा, तो आपको लगता है कि यार ये ज्यादा है, ये थोड़ा कम है। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके बैंक अकाउंट में मंथली कितना आ रहा है उसमें अगर 19-20 या थोड़ा ज्यादा भी फर्क होता है, ठीक है, 10-20 का भी फर्क होता है, पर अगर आपको काम सेटिस्फैक्शन देता है तो वो एक प्रायोरिटी बन जाती है कि यार मैं दिन में 10 घंटे एक जगह बैठा हूँ, 8-8 घंटे मैं सोता हूँ, तो मेरी पूरी लाइफ एक तरह से ये है, तो क्या ये मेरे को काम पसंद आ रहा है, क्या मैं करना चाहता हूँ, रात को सोते वक्त अच्छा लग रहा है मुझे, वो एक प्रायोरिटी बन जाएगी आपकी। जैसे ही आप काम करोगे 2-3 साल में आपको वो चीज़ हिट करनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनी फोड़ ली, माइक्रोसॉफ्ट फोड़ के बैठे हैं, अडोबी फोड़ के बैठे हैं बीटेक के अंदर, और अब कह रहे हैं यार मजा नहीं आ रहा। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बस होता है। मजा से पैशन अलाइव रहता है, मजा जब खत्म हो जाता है तो पैशन बंद हो जाता है। पैशन जब अलाइव रहता है तो आपका काम में एक्सेलेंस अपने आप दिखता है। पैशन खत्म हो जाएगा तो आप मतलब बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में कि